गुजरात दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान के सियासी बवाल और सचिन पायलट से सियासी खींचतान से जुड़े सवाल पर सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। जब गहलोत से सचिन पायलट से तालमेल की कमी और खड़गे से मुलाकात पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगले बार जब वे आए तो उनसे पूछना, हमारे से ज्यादा महत्व रहेगा। गुजरात चुनाव के बीच कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं और विधायकों के सवाल पर गहलोत ने कहा कि यह हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, हम तो अब भी कहते हैं कि आने वाले का भी स्वागत है और जाने वाले का भी स्वागत है। कांग्रेस इतना बड़ा संगठन है, आज 135 साल हो गए कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई, हर गांव कस्बे में आपको कांग्रेस मिलेगी। आज जो सत्ता में बैठे हैं ये लोग तो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। गहलोत ने गुजरात चुनाव में आप पार्टी के असर और कांग्रेस बीजेपी के नुकसान के सवाल पर कहा कि हम तो आम आदमी पार्टी को कुछ गिनते ही नहीं है, हम तो यह कह रहे हैं कि हमने जो वादे किए थे, जो काम किया है उसे देख लीजिए, इनके वादे और काम देख लीजिए, इसके बाद तुलना करके वोट दीजिए। गुजरात में जानबूझकर कांग्रेस को लेकर गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत के सचिन पायलट से खींचतान को लेकर जवाब देने से बचने के सियासी मायने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अब राजस्थान के सियासी विवाद पर फैसला बाकी है। गहलोत की चुप्पी इसी से जोड़कर भी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पेधड़।